वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन चैनल, इसमें आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही कमाल का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है और वीवो के फ़ोन में कुछ इस तरीके का कंट्रोल पैनल होता है जो कंपनी के साथ ही आया है, उसी टाइप से कंट्रोल पैनल अभी तक है और ये कंट्रोल पैनल जो है बहुत ही पुराना हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ इस तरीके का कंट्रोल पैनल आप अपने फ़ोन में लगा करके किसी को भी चौंका सकते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे मोबाइल के कंट्रोल पैनल को देख रहे हैं, कितनी अच्छी लग रही है और इसमें बहुत ही तरह का फंक्शन दिया गया है जो रेडमी 12 की तरह, अगर एक बात की जाए तो रेडमी 12 का फीचर्स वीवो फ़ोन में किस तरीके से सेट करेंगे। ये काफी ज्यादा कमाल का वीडियो है, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीका का कंट्रोल पैनल आप अपने वीवो के फ़ोन में सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, वहां से जाकर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए नोट रनिंग का जो आपको परमिशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेबिलिटी का आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एमआई कंट्रोल सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके एमआई कंट्रोल सेंटर का भी ओपन को परमिशन दे देना है। ठीक है, दे देने के बाद नोटिफिकेशन एक्शन का परमिशन देने के लिए इस पर सिंपली तरीके से क्लिक करना है और एमआई कंट्रोल पैनल ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी अलाउ परमिशन कर देना है। ठीक है, अब कर देने के बाद हम लोग को नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है। अब नहीं, इसमें सब चीज को यहां पर कर देने के बाद हम लोग को यहां पर कलर उलर भी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको कलर आपको आइकन दिखाई दे रहा है, वहां से कुछ भी चीज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर डार्क कलर को चेंज कर लेता हूं और यहां पर ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो किसी को भी आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑन कर लेने के बाद यहां पर कुछ करना नहीं है, बस अपने जाकर आप कंट्रोल पैनल को देखेंगे तो आपके फोन में कंट्रोल पैनल चेंज होता हुआ रहेगा और नीचे से भी आप देखिएगा तो आपका फोन में वही कंट्रोल पैनल है और ऊपर से स्वीप कीजिएगा तो आपका नया कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीका का सेटिंग करना है। और एक बात और कि आपको जब रिसेंट ऐप्स को आप क्लीन करते हैं तो वहां पर देखिए इस तरीका का करना है। ठीक है, वहां पर आपको एक लॉक का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसको लॉक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीका का सेटिंग आप अपने फोन में करिएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।